Very good morning, everybody. Thank you so much for coming on Facebook page of Maishik Foods. आज जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. और आज हम उस पर अलग देखेंगे कि मलाई मटकी केक कैसे बनाते हैं. सो चलो जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मेकिंग द केक. ये हमारे लल्ला, यू नो, वी हैव डन अ स्मॉल पूजा विद लिटिल बिट भोग. तक हम उनके दर्शन कीजिए. And in next couple of minutes, we'll start making the bhog. आज अलग टाइप का भोग बनेगा थोड़ा सा. Thank you so much. I can see people have started coming. That's so nice of you guys. Thank you. अभी लॉकडाउन की वजह से तो ज्यादा पब्लिक पे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे. सो वी आर गोइंग टू डू इट इन समथिंग इन डिफरेंट वे, यू नो. अब हंडी आज बनाएंगे और हमारे यहाँ पे काना भी आने वाला है, पर हंडी यहाँ पे आज फोड़ेंगे नहीं, पर हंडी आज काटेंगे, यू नो. सो वी आर गोइंग टू मेक मलाई हंडी केक. चलो तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है आज के एक बार में वो भी लिखा रहता. अभी काना के दर्शन तो हो गए, एक बार भोग के दर्शन कर लेंगे कि भोग कैसे बनाने करके. सो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज करने वाला हूँ मैं केक बनाने के लिए, तो मैंने उसी का पूरा यूज किया है. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम मिल्क. सो इट इज मिल्क मिठाई, काजू कतली, देन गुलाब जामुन, देन आई हैव मेड अ रबड़ी. सो रबड़ी बनाने के लिए व्हाट आई हैव डन इज, जो भी मटकी में ऐड कंटेंट जो होते हैं मिल्क के कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो मैंने वो सब कुछ यूज किया है. लाइक यहाँ पे मैंने ये जो ये बनाया है, जो ये मिक्सर जो बनाया है, सो आई हैव मेड लाइक अ थिक रबड़ी, यू नो. आधा लीटर का दूध लिया था, उसका मैंने पूरा 150 ml तक प्रोड्यूस कर लिया. देन उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया हनी, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा योगर्ट डाल दिया था, योगर्ट थोड़ा थिक होता है, सो आई हैव एडेड योगर्ट टू इट, एंड ऑफ कोर्स बनाना का पेस्ट बना के डाल दिया, बनाना का प्यूरे, एंड मक्खन के बिना तो हंडी इनकम्प्लीट ही होती है, सो वो भी उसमें ऐड कर दिया मैंने. सो आई हैव मेड मिक्सचर ऑफ दैट, अ नाइस मिक्सचर, एंड ये बनाने के बाद आई हैव एडेड दैट इनटू द व्हिप क्रीम. सो व्हिप क्रीम के में डालने के बाद आई हैव एंटायरली कवर्ड, यू नो, मेड द केक. डोम शेप का पहले केक बना लिया, जैसे हम लोग एज यू कैन सी ओवर हियर जैसे लेयरिंग करते हैं केक की, लाइक कटिंग द केक हॉरिजॉन्टली इनटू 3 slices, उसमें थोड़ा सा शुगर सिरप स्प्रिंकल करके, फिर मिक्स क्रीम का लेयर लगा दिया था, यू नो, ऑन ऑल द 3 layers, एंड उसके बाद मैंने डोम शेप यूजिंग माई पैलेट नाइफ एंड प्लास्टिक फॉयल आई हैव मेड दिस डोम. थोड़ा सा टाइम लगा, आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज यू नो टू गिव दैट एग्जैक्ट शेप यूजिंग व्हिप क्रीम. सो मैंने आप क्रीम का जैसे कलर सेम देखोगे, आई हैव जस्ट यूज रबड़ी का नेचुरल कलर, एंड दिस वॉज माई इंस्पिरेशन बाय द वे. आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड विद दिस मटकी और हंडी और स्मॉल गढ़ा, यू कैन से आई हैव ट्राई टू मेड सिमिलर. सो यू कैन सी दिस. सो इसको इंस्पायर होकर आज की मैंने हंडी बनाई है, एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव ट्राई टू मेड दिस. ये तो मैंने पूरा चॉकलेट से बनाया, यू नो, लाइक अ बासरी, और इफ यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ स्टिरर स्टिक, यू नो, द ट्रेडिशनल स्टिरर स्टिक ऑफ द मटकी. सो आई हैव मेड दिस. सो लो, सो आई एम श्योर, यू नो, ये तो हो ही जाएगा भोग. तब तक हम लोग बासरी को डेकोरेट करते हैं. एक्चुअली मैंने केक पहले इसलिए बना के रखा था बिकॉज क्या होगा अदरवाइज केक विल टेक
lot of time. So I know, I understand your time and I also value that. So ये मैंने चॉकलेट का एक पाइप जैसा बना लिया था. I have a chocolate mold, plastic का, and I have added melted chocolate in the mold. और उसके बाद मैंने सिर्फ चॉकलेट को थोड़ा सा स्क्रेप कर लिया. So you can see this wooden finishing, और उसको गोल्डन पेंट से पेंट किया है. So now what I'm going to do is, I'm just going to decorate a little bit using some whipped cream and some beads. It's looking good. I'm sure it is. Okay, so I have bought some beads. और मैं क्या करूँगा, ये बीड्स हैं, इस पर मैंने पेस्ट कर लिए. हाउ इज इट, कैसी दिख रही है हमारी बांसुरी? वेरी नाइस. Oh, that's nice. Thank you so much. Okay, so Basri bhi ready hai. I'll keep it to a side and let's quickly focus on the cake. You can see this. How is it looking? I hope you guys are enjoying looking that. Okay, so ek baar aap hamari matki dekh lijiye. केक की मटकी. ओके, नाउ आई क्विकली स्टार्ट द डेकोरेशन. वेरी फर्स्ट एंड फॉरवर्ड, ये जो रबड़ी का मिक्सचर है, जो थिक रबड़ी का, मैंने थिक ट्रेडिशनल मटकी रबड़ी कहेंगे इसको. यू कैन सी दिस, इट्स नाइस रिच एंड क्रीमी. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसमें ऐड कर दूंगा मटकी में. स्मेलिंग सो गुड, उसका अरोमा इतना अच्छा आ रहा है. यू नो ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स एंड बनाना इनटू इट, सो इट्स स्मेलिंग यमी. ओके, सो आई हैव एडेड ओवर हियर, थोड़ी बचा के रखूँगा, बाद में ऐड करेंगे. और टिल देन आई डेकोरेट विद ऑल द मिठाई, ताकि हमें जब कान्हा आएंगे तो वो देख के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नन्हे कान्हा को मिठाई बहुत पसंद है. एंड ही इज बिग फैन ऑफ ऑल काजू कतली एंड गुलाब जामुन एंड एवरीथिंग, सो स्पेशली टू मेक हिम हैप्पी टुडे. ओके, आई एम गोना ऐड सम मोर, अभी थोड़ा गुलाब जामुन ऐड करेंगे इसमें. So I have a good news for you all. There's a new feast for people in Pune. That you know, now Pai Street Foods is officially open for everybody. Please start ordering your yummy cakes. You can taste all the delicacies. You can contact me on my Facebook page, on my Instagram page, or you can also message me on my WhatsApp. It's looking good, it's looking yummy. I'll add some more of gulab jamun. Badi handi aisi bhari hui dikhe. So this feast for all the kanhas. Right?
अभी थोड़ा हंडी को डेकोरेट करना शुरू करेंगे. लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग द हंडी. स्टार्ट फ्रॉम हियर. You can use any color. I have tried to use, you know, a natural rubbery color. अगर आप चाहो तो इसमें येलो कलर यूज कर सकते हो, येलो कलर की हंडी बना सकते हो. अगर आप चाहो तो इसमें ब्राउन कलर की. ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू डेकोरेशन. As I'm decorating the handi now. See, it's looking good. What I'll do is I'll use some beads, some golden beads. थोड़ा गोल्डन बीड्स के साथ उसको और ये भी आ जाएगा, एक ग्लो भी आ जाएगा. सो आई ऑल्सो हैव सम अदर कलर विद मी. सो वी विल डेकोरेट द हंडी मोर. ओके, and with some orange color I'll just try to fill in the gaps over here. यू सी, ऐसे दिख रही है हमारी हंडी. और इसके बाद अभी हम लोग थोड़ी सी क्रीम उसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए. सो दैट विल गिव यू फ्लो ऑफ लाइक यू नो लाइक बटर नीचे पूरा आ रहा है, लाइक माखन पूरा हंडी से हंडी के बाहर आ रहा है. सो अभी हम लोग वो करेंगे एक बार. Okay, so now I'll try to give some dots over here. This shows that pura.
पूरा एकदम मक्खन नीचे आ रहा है, लाइक द हंडी इज फुल ऑफ बटर, फुल ऑफ मक्खन। See this. Wow. So this will be full of cream, full of milk and milk products. And I'm going to add some more rabadi on top, just to enhance more taste. थोड़ा स्वाद बहुत अच्छा आएगा और दिखने भी बहुत अच्छी लगेगी, और हमारे कान इस हंडी को देख के बहुत खुश होंगे क्योंकि ये हंडी खास उन्हीं के लिए बनाई है। Arti ji is saying it's looking amazing and looks yum. Thank you, Arti ji. I think Arti ji is one of our most, she's always watching the channel. So thank you for watching that, and thank you for your suggestions also. See, it looks good. Yes. Okay. So what we'll do is now we will top it. टॉप अप विथ यू नो सम मोर रबड़ी, तो और अच्छा दिखेगा। अभी अगर लॉकडाउन नहीं होता अभी तक तो आई वुड हैव गॉट अ गुड चांस टू शेयर द हंडी विथ यू ऑल, सो यू नो तो आप सभी को टेस्ट करने का चांस मिलता। एंड नाउ जस्ट टू डेकोरेट इट मोर, व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक सम नाइस फ्लावर्स छोटे से नीचे हंडी के यहाँ पे रख दूंगा, सो उसको और एक अच्छा ग्लो आ जाएगा। जस्ट मेक सम सिंपल फ्लावर्स बाय यूजिंग ऑरेंज कलर, आप देख सकते हो मुझे फ्लावर बना रहा उसको हाइट देके। या इट्स लुकिंग, आई विल मेक सम मोर रोजेस फ्लावर्स एंड टू सी। वन मोर विल लुक गुड, आई नीड वन मोर नाइस। सब बड़ा फ्लावर बनाया मैंने इस बार, कीप इट ओवर हियर एंड विल बी नेक्स्ट टू द हंडी। और एक मैं हंडी के यहाँ पे रख दूंगा, आप देख सकते हो। यू टेल मी हाउ इज इट, इट्स लुकिंग रियली गुड, थैंक यू। बस यही सोचे कि वो देख के कहना कुछ को जाने चाहिए। आई शेयर द पिक्चर्स विथ यू, नो वरीज, आई शेयर ऑल द पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।
these are some easy techniques of flowers. And put one next to the makkhan. You can see. Yes. आप हंडी देख सकते हो और मैं क्या करूँ फ्लावर्स को और थोड़ा सजाऊंगा. I use some beads. जन्माष्टमी is one of my favorite festival. Okay, and last but not the least, garnishing with the basuri. Actually, I'm so excited and so happy to be in India. You know, जब से मैं आया हूँ, I'm enjoying all the festival, having great time with my people, my family, friends के दोस्तों के साथ, और इंडिया की बात ही कुछ अलग है. So, this is. Okay, I'll put some more of makkhan just to cover this part. Okay, and last but not least, so thoda sa hum log zara shine denge. We'll use some glitter on the top, like golden glaze ki tarah. अभी तो केक रेडी हो चुका है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चिल दिस केक एटलीस्ट फॉर 2 hours. उसको 2 घंटे में निकालूंगा नहीं बाहर फ्रिज से ताकि ठीक तरह से सेट हो जाए. एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर द पिक्चर्स विद यू. एंड दिस इज रेडी. यू कैन हैव अ लुक. हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. This is ready. Now I'm just going to present this for you. अगर आपको ये केक अच्छा लगा, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, so do not forget to like, subscribe and press the bell icon. I'm also available on YouTube, Facebook and Instagram, and you can also WhatsApp me. Hurry up, place your orders quickly for yummy cakes. Thank you so much for watching. Bye bye. Till then, happy baking.